बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस सूरत में बिस्मिल्ला दो मर्तबा आई है? सही जवाब है सूरह नमल में। किस नबी ने 992 साल की उम्र पाई? सही जवाब है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने। उस नबी का नाम बताएं जो परिंदों की बोली समझ लेते थे। सही जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। किस इंसान को नमाज पढ़ने के लिए वुजू या तयम्मम की जरूरत नहीं होती? सही जवाब है वो शख्स जिसके हाथ और पांव कोहनियों और टखनों समेत कटे हुए हों और उसका चेहरा भी जख्मी हो। वो कौन से दो फल हैं जिनको सूंघने से वजन कम होता है? सही जवाब है सेब और केला। वो कौन सा जानवर है जो ना अंडे देता है और ना बच्चे? सही जवाब है हर किस्म का नर जानवर। उस चीज का नाम बताएं जो मर्दों में बढ़ती है लेकिन औरतों में नहीं बढ़ती। सही जवाब है दाढ़ी और मूंछ। वो कौन सी चीज है जिसे आप जाया तो कर सकते हैं लेकिन उसे खरीद नहीं सकते? सही जवाब है वक्त। वो कौन सा कागज है जिस पर आपके दस्तखत होते हैं वो जाली हो जाता है? सही जवाब है आपका डेथ सर्टिफिकेट। अगर दरिया के किनारे एक लड़की की लाश मिले तो कैसे पता चलेगा कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम? सही जवाब है उस लड़की का लिबास, हाथ पांव, चेहरा और जिस जगह से उस लड़की की लाश मिली है उसके करीब रहने वाले लोगों का मजहब देखा जाएगा। फिर इस तरह मिलने वाले हकायक जिस मजहब की तरफ ज्यादा इशारा करेगा उस लड़की का वही मजहब तसव्वुर किया जाएगा और उसके मुताबिक उसकी तदफीन का बंदोबस्त किया जाएगा। वो कौन सी इबादत है जो हर हाल में कबूल होती है? सही जवाब है दुरूदे पाक। वो कौन सी चीज है जो जिंदा से मुर्दा पैदा करती है और मुर्दा से जिंदा पैदा करती है?
सही जवाब है अंडा। वो कौन सा गुनाहे कबीरा है जिसकी तौबा नहीं होती? सही जवाब है खुदकुशी, क्योंकि खुदकुशी करने वाला तौबा करने के लिए जिंदा ही नहीं बचता। वो कौन सी नमाज है जिसे वक्त पर पढ़ने से गुनाह होता है? सही जवाब है अरफा के दिन मुजदलफा में हाजियों को मगरब की नमाज मगरब के वक्त पढ़ना गुनाह है। किस नमाज में पिछली सफ अफजल तरीन होती है? सही जवाब है नमाज जनाजा में।